नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुख कर लेते हैं खबरों का। नए साल के आयोजनों पर एडीजीएलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने तो यूपी पुलिस की ओर से प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और आगे कहा कि शालीन तरीके से नए साल का आयोजन हो। सड़क पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से पुलिस निपटेगी। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां एडीजीएलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने नए वर्ष को लेकर शुभकामनाएं दी और साथ ही प्रदेशवासियों से अपील की और साथ ही पुलिस से भी अपील की कि सड़क पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि शालीन तरीके से नए साल का आयोजन किया जाए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, एडीजीएलओ प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही पुलिस से अपील की सड़क पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि शालीन तरीके से नए साल पर आयोजन हो, सड़क पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से पुलिस निपटेगी। आने वाले नौ वर्ष 2023 के लिए सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं तथा साथ ही साथ ये जो त्योहार या जो ये आयोजन है वो पूरी सरलता से और शालीन तरीके से मनाया जाए। वही खबर मैनपुरी से है, जहां जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध रूप से दर्जनों क्लिनिक, जहां अस्पताल संचालकों के पास ना तो पंजीकरण है और ना ही कोई डिग्री है, लेकिन फिर भी मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसके कारण लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां झोला छाप डॉक्टरों का कारोबार लगातार सक्रिय है। आपको बता दें कि दर्जनों ऐसे क्लिनिक है जो चल रहे हैं अवैध रूप से, लेकिन उनके पास ना तो कोई पंजीकरण है और ना ही कोई डिग्री है, जिससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां मैनपुरी में दर्जनों ऐसे क्लिनिक हैं जो बिना डिग्री के डॉक्टर जहां पर है और काम कर रहे हैं, लेकिन मरीजों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज इससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, आप तो पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं ना? नहीं, मैं एक क्लिनिक चला रहा हूँ। क्लिनिक तो नहीं, उसमें कभी 8 वार्ड पड़े हुए हैं, 10 बेड पड़े हैं आपके हॉस्पिटल में पीछे, और लगभग ये 10 से पेशेंट कितना है? पेशेंट की भी जानकारी है सारी अपडेट के बाद ही मैं आपसे। पेशेंट इस टाइम नहीं है जिस टाइम मैं पहुंचा हूं, लेकिन पेशेंट अगर नहीं है तो बेड की व्यवस्था क्यों की? देखो, मैं, ये मेरा घर, ठीक है, पूरा इंजेक्शन लगवाने आता है मेरे पास, गाइडलाइन तो मालूम ही होगी क्या है। वही बाराबंकी पुलिस न्यू ईयर को लेकर अलर्ट मोड पर है, जहां जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिनेश कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के निर्देश पर जिले में भीड़भाड़ वाले विभिन्न स्थानों पर नववर्ष को लेकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने भारी पुलिस बल भी तैनात कर रखा है। सभी को हिदायत दी गई है कि आगामी नववर्ष पर ऐसे कोई भी भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम ना करें जिससे किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो। वहीं यातायात पुलिस ने संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग करने के साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले सहित ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि दोबारा से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी आशुतोष मिश्रा ने सभी जनपद वासियों से अपील भी की कि नववर्ष के उल्लास में जोश में आकर कोई अपना होश ना खोए।
में ये समस्त ढाबे और गाड़ियों की चेकिंग और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें हमारे डॉग स्क्वाड और अन्य जो हमारे स्क्वाड हैं वो सब इसमें चेकिंग कर रहे हैं। महिला शक्ति का जो हमारा शक्ति मिशन की जो गाड़ियां हैं वो सब इसमें चेक कर रही हैं और हम लोग सारे मॉल रेलवे स्टेशन ढाबे सब पे सबको हिदायत भी की जा रही है कि इस तरह का कोई भीड़ भाड़ या कोई ऐसे कार्यक्रम ना हो जिसमें किसी प्रकार की कोई घटना हो। वहीं हमीरपुर जिले में नए वर्ष को लेकर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों ने सड़कों पर भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला। साथ ही सड़कों पर कब्जा किए गए लोगों और दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए तत्काल अतिक्रमण को हटाया गया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नववर्ष का आगमन हो रहा है जिसको लेकर हमीरपुर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस बल ने सड़कों पर पैदल मार्च निकाला और साथ ही जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था दुकानदारों पर और ये ऐसी कार्रवाई की गई है और उनका अतिक्रमण को हटाया भी गया है। तस्वीरें आप तक हमीरपुर से पहुंचा रहे हैं। जिले में नए वर्ष को लेकर पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारियों ने पैदल मार्च निकाला है। हमीरपुर में आगामी नववर्ष को देखते हुए यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के साथ मेरे द्वारा और समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा आज रूट मार्च किया गया है जिसमें जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। साथ ही जो मार्केट एरियाज में अवैध कब्जे लोगों ने फुटपाथ इत्यादि पर कर रखे थे उन सबको भी हटवाया गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के मुख्य शो कौन बनेगा करोड़पति जो कि पूरे देश ने खूब देखा और सराहा भी, इसी तर्ज पर कौन बनेगा करोड़पति कानपुर देहात कलेक्टर परिषद में खोला गया। वहीं अमिताभ बच्चन की भूमिका को कानपुर देहात में चलाई जा रही जीके ओलंपियाड के माध्यम से बच्चों के सामान्य ज्ञान का प्रशिक्षण एक नई तकनीक के साथ किया जा रहा है और यहाँ पर जीतने वाले भले ही आज करोड़पति ना बन सके लेकिन भविष्य में उनकी सफलता निश्चित होगी। कानपुर देहात की बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे और जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि एक नया आयाम मिल रहा है जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपने भविष्य को तय करने के भी मार्गदर्शन भी मिलेगा। देखिए हमारे जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय से ही और चिल्ड्रंस डे के बाद से एक परिकल्पना करी गई थी कि बच्चों में जो सामान्य ज्ञान है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हम लोग ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जीके ओलंपियाड किया था जिसमें प्रत्येक स्कूल में बच्चों का एक क्विज हुआ था और स्कूल लेवल के जो विनर्स थे उनको लेके फिर एक ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता हुई थी और आज इसका फिनाले हम लोग ने 30 दिसंबर को जनपद स्तर पे जो कंपटीशन करके कराया है इसमें लगभग 20 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और केबीसी के तर्ज पे एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करते हुए। महोबा में यूपी 112 के प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत देर शाम पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने फीता काटकर की और शहर के आला चौक और कीरत सागर तट पर स्टॉल लगाकर लोगों को यूपी 112 से संबंधित जागरूक किया गया ताकि किसी भी विषय परिस्थितियों और इमरजेंसी के समय पुलिस की सहायता आम नागरिकों तक पहुंच सके। इसको लेकर लोगों के बीच प्रचार प्रसार का काम हो रहा है। वहीं एसपी सुधा सिंह ने बताया कि इमरजेंसी सेवा फोन पर 112 डायल करने पर आम लोगों की मदद करती है। साथ ही आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, महिलाओं की सहायता सहित अन्य इमरजेंसी के दौरान कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। तस्वीरें महोबा से आपको दिखा रहे हैं जहां 3 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक पहुंची मुख्य अतिथि के तौर पर और उन्होंने फीता काटकर इस अभियान का शुभारंभ किया है। साथ ही आपको बता दें कि शहर के आला चौक और कीरत सागर तट पर स्टॉल लगाकर लोगों को यूपी 112 से संबंधित जागरूक किया जा रहा है।
साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त या फिर प्राकृतिक आपदा के समय डायल 112 करके लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। ये यूपी 112 के हेडक्वार्टर्स के द्वारा ये आदेशित किया गया था कि 30, 31 और 1 तारीख को 3 दिवसीय ये जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें 112 से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में और जो विभिन्न तरीके से संचालित की जाती है उसके बारे में सभी जन सामान्य को इससे परिचित और अवगत कराया जाए, उसी के संदर्भ में आज इसकी शुरुआत हुई है और ये 1 तारीख तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों से लेकर और सभी महिलाओं को और पुरुषों को, सभी को हम लोग जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। महिला वर्ष को लेकर जहां नोएडा शहर में अलग अलग जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए हैं। यह तस्वीर नोएडा के सेक्टर 38 स्थित गार्डन गलेरिया मॉल की है, जहां पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा पैदल गश्त की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मॉल प्रबंधन और अन्य सुरक्षा में लगे कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती सिंह ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मगर किसी को भी पुलिस की मदद की आवश्यकता होगी तो उसे तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा पुलिस द्वारा एंटी रोमियो टीम और अन्य टीमें भी गठित की गई हैं। नोएडा से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस नववर्ष को लेकर अलर्ट मोड पर है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने सेक्टर 38 स्थित गार्डन गलेरिया मॉल के पास पैदल मार्च निकाला और साथ ही व्यापक व्यवस्था की जांच भी की है। पुलिस ने जो है एक योजना बनाई है, जिसमें कुछ हम लोगों ने वाहन उसको हम लोगों ने लिया है और उसमें ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन करके हम लोगों ने उनको चिन्हित कर लिया है। यदि उस समय आवश्यकता पड़ती है और इन लोगों को घर पहुंचाने की आवश्यकता होगी तो हम लोग उनको जो है सुरक्षित उनके घर पे भी पहुंचाने की उसकी व्यवस्था करेंगे। महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा के? महिलाओं के लिए हमारे पास जो है वो एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी हैं, स्वयं सिद्धा भी हैं, हमारी महिला जो टीम है वो भी यहाँ पे सादे कपड़ों में रहेंगे। इस बीच उन्नाव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फायरमैन कर्मियों की पासिंग आउट परेड हुई है। 271 फायरमैन कर्मियों की हुई पासिंग आउट परेड। डीजी फायर अविनाश चंद्र ने की शिरकत। 10 टोली प्रशिक्षु फायरमैन कर्मियों की परेड हुई है। सराहनीय कार्य करने वाले कर्मियों का हुआ सम्मान। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। 271 फायरमैन कर्मियों की पासिंग आउट परेड हुई है। डीजी फायर अविनाश चंद्र ने शिरकत की है। सराहनीय कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फायरमैन कर्मियों की पासिंग आउट परेड की गई है। 271 फायरमैन कर्मियों की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया है। डीजी फायर अविनाश चंद्र पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर। उन्होंने शिरकत की। 10 चोली प्रशिक्षु फायरमैन कर्मियों की परेड हुई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उन्नाव से। फायरमैन कर्मियों को सम्मानित किया गया है। ये पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 271 फायरमैन कर्मियों की परेड हुई है और साथ ही सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इसमें डीजी फायर अविनाश चंद्र पहुंचे और साथ ही लोगों को सम्मानित भी किया गया। उन्नाव फायर ट्रेनिंग सेंटर पर आज 271 फायरमैन 6 महीने के कठिन गहन प्रशिक्षण के बाद पास आउट हुए हैं। पूरे प्रदेश में 8 ट्रेनिंग सेंटर्स पर 2021 फायरमैन पास आउट हुए हैं। ये
बहुत बड़ी उपलब्धि है फायर डिपार्टमेंट की कि इनका बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण हुआ है 6 महीने का, और ये फायर फाइटिंग में, फायर प्रिवेंशन और सेफ्टी में और इमरजेंसी रिस्पांस में हमारी जो क्षमता है फायर डिपार्टमेंट की पूरे प्रदेश में वो कई गुना बढ़ जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कायमगंज में पार्टी नेता नवल किशोर शाक्य के भाई डॉक्टर हरवेश कुमार शाक्य की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो लोहिया जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनवाया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनवाने की पहल करेगा तो उसकी मदद की जाएगी। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की माता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि माँ तो माँ होती है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। फरुखाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अखिलेश यादव पहुंचे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी के नेता नवल किशोर शाक्य के भाई डॉक्टर हरवेश कुमार शाक्य की श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल हुए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं जिले में बेहतर नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। लेकिन सर, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच अलग है। आप तो डॉक्टर लोहिया के क्षेत्र के हो, अरे आपको समाजवाद बताना पड़े, आपको ये बताना पड़े हम उन पार्टियों की दूरी क्यों है। तो मैं समझता हूँ हमारे पत्रकार साथी क्योंकि फरकाबाद के हैं, जहाँ से डॉक्टर रामनो लोहिया का कर्म क्षेत्र है वो लोकसभा पहुंचे, तो ऐसे क्षेत्र में अगर मुझे अपने सिद्धांत के बारे में बताना पड़े तो बड़े दुख की बात होगी। मैनपुरी मॉडल नहीं, समाजवादी पार्टी की जो यात्राएं होंगी वो अलग तरह की यात्रा है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी यात्रा है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। सर, ये क्यों नहीं आप बात समझते हो? बरेली जोन में अग्निशमन विभाग को 215 फायरमैन मिले हैं। 222 रिक्रूट में से 215 रिक्रूट ने हिस्सा लिया, जिसमें से 215 पास आउट हुए हैं। इस बारे में एडीजीपी डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि बरेली जोन को 215 जवान मिले हैं, जिससे विभाग की ताकत बढ़ी है। विभाग में पढ़े लिखे रिक्रूट मिलने से कार्य बेहतर होगा। सभी को इस दौरान पासिंग परेड में शपथ दिलाई गई। वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करेंगे। दमकल विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। जब कहीं आग से नुकसान होता है तब इस विभाग के जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों की रक्षा करते हैं। इस दौरान रिक्रूट के परिश्रमों ने अपने बच्चों को ड्रेस ने देखकर बहुत ही महसूस किया, और साथ ही पासिंग परेड देखने भारी संख्या में पुलिस लाइन में रिक्रूट के परिजन भी पहुंचे। सीएफओ चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि जोन को 215 और बरेली को 56 रिक्रूट मिले। लोगों की हुई है अलग अलग जिले से, कुछ की पोस्टिंग बरेली है, कुछ पीलीभीत है, कुछ अपना इधर से ही है, सब शाहजहांपुर है, तो सब जिलों से अलग अलग पोस्टिंग हुई है। ये सिरे किसको जाता है? ये सिरे घर वालों को जाता है, माता पिता को जाता है सबसे पहले, तो उनका महत्वपूर्ण योगदान आता है, रहता ही है। जालौन में दबंगों की दबंगई सामने आई है। जाउरई में 21 दिसंबर की रात दीपक के युवक को गांव के कुछ लोग अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद काफी समय बीत जाने के बाद जब दीपक अपने घर वापस नहीं लौटा तो युवक के पिता ने उसे फोन किया, जिस पर बेटे ने बताया कि उससे जबरन पैसे लिए जा रहे हैं। दबंगों ने उसकी सोने की अंगूठी और नकदी छीन ली है। इसके बाद फिर खबर आई कि दीपक की तबीयत खराब है, जिसके चलते उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां दीपक मृत पाया गया। दीपक के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई। जब परिजनों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की सही से जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। ये कमलेशी देवी है माता जी, इनके बेटे की 21/12/2022 में हत्या कर दी गई है। 21 तारीख से लेकर आज तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रही किया गया। मांडोगढ़ थाना ये जाती हैं,
तो इनको ये कह के टरका दिया जाता है कि हम देख रहे हैं, आरोपियों को ढूंढ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिठाते हैं, आरोपियों को बुलाए भी, बैठा ले भी, बैठाने के बाद में सुबह बुलाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं माधोगढ़ थाना पुलिस। इसके बाद में ये परसों के रोज आई थी, इन्होंने डीएम साहब को एक मांग प्रार्थना पत्र दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इन्होंने फिर जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दे के ये गुहार लगा रही हैं कि हमारे बेटे के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और इनको न्याय मिले। खबर जालौन से है, जहां कुछ चोरों ने घर में घुसकर घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया, साथ ही मालिक के साथ मारपीट भी की। और जब पड़ोसी को चोरी की वारदात का पता लगा तो चोरों ने पड़ोसी के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया और घर से गहने और रुपए के बक्से लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें कि पीड़ित ने 112 पर कोल कार चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से कट्टा से किए हुए फायरिंग के कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि एसओजी और सर्विलेंस की टीम मौके पर घटना की जांच कर रही है। जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये थाना डकोर की ग्राम गोरन की घटना है। आज 19:30 की रात्रि, मध्य रात्रि के समय में लगभग 2:45 बजे थाना डकोर को सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम गोरन में एक चोरी हुई है। पुलिस जब मौके पर गई वहां पर तो ये ज्ञात हुआ कि 3 से 4 लोग थे और वो वहां पर एक माधव प्रसाद राजपूत हैं ग्राम गोरन में। उनके घर के ऊपर से छत, दूसरे घर के माध्यम से रास्ते से आए और छत से होते हुए उनके घर में घुसे और चोरी करके जब भाग रहे थे तो खटखटाहट से। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सपा महासचिव, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री और गृह विभाग से शिकायत की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। सपा महासचिव अरविंद राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। कल सुबह कुछ लोग कार्यालय की रेकी कर रहे थे। मुख्यमंत्री और गृह विभाग से इसकी शिकायत है। गाड़ी के नंबर समेत इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा महासचिव अरविंद राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। कार्यालय को बम से मारने की धमकी मिली है। कल सुबह कुछ लोग कार्यालय की रेकी कर रहे थे। मुख्यमंत्री और गृह विभाग से इसकी शिकायत की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कल सुबह कुछ लोग कार्यालय की रेकी कर रहे थे। मुख्यमंत्री और गृह विभाग को इसकी शिकायत दी गई है। इंटरनेट कॉल पर धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंच जा रहे हैं, जहां बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बम से मारने की धमकी दी गई है। सपा अरविंद राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुबह कुछ लोग कार्यालय पर रेकी कर रहे थे, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और गृह विभाग को इसकी सूचना दी गई है। अरविंद राजभर का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बताया कि कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री और गृह विभाग को इसकी शिकायत की गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अरविंद राजभर का बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह विभाग को इसकी सूचना दी गई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।